हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज नवे लेक्चर के साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। हम 10 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ मिक्स्ड बैग फ्रॉम सर्कुलर मोशन। आशा करते हैं कि आपने पूरा सर्कुलर मोशन का सेगमेंट पढ़ा है और आपको कोई कठिनाई नहीं है उसमें। तो चलो शुरू करते पहले सवाल के साथ। अ मोटर कार इज ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 400 मीटर। इफ इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, एक्सेलरेशन कितना होगा? पहला सवाल, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगा v² / r, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगा v² / r। व्हाट इज v? v इज 20, सो 20 का स्क्वायर अपॉन 400, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, ये टैंजेंशियल है, नेट आएगा कुछ ऐसे यहाँ पे, ए नेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रिपेटल का स्क्वायर प्लस टैंजेंशियल का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, द आंसर इज अंडर रूट ऑफ 2। सी थर्ड ऑप्शन, सी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एंड स्लोज डाउन फ्रॉम 400 to 200 RPM इन 1 मिनट। 400 to 200 RPM, ओमेगा 1, 400/60 into 2 पाई, ओमेगा 2, 400 to 200 है ना? या सो 200/60 into 2 पाई इन हाउ मच टाइम? इन 1 मिनट। टी इज इक्वल टू 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रोटेशंस, यानी थीटा ढूंढूंगा, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा। ये 0 गया, 1 जा 3 जा, दिस इज 40 पाई बाई 3, दिस इज गॉन, 1 जा 3 जा, दिस इज 20 पाई बाई 3, एंड आई राइट अल्फा इज इक्वल टू ω2 - ω1/T, 20 पाई बाई 3 -40 पाई बाई 3 upon 60 -20 पाई बाई 3 upon 60, दिस इज 1 जा, दिस इज 3 जा, -π/9, सो आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू ω1t प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वेयर। ω1 इज 40π/3 into 60 -half into π/9 into t² 60 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 जा 20 जा, 800π -3600/18 into π, 18 1 जा 18 2 जा 200, दिस इज इक्वल टू 600π, रोटेशंस विल बी 600π/2π, द आंसर इज 300, इट विल परफॉर्म 300 रोटेशंस ड्यूरिंग दिस टाइम। अब मैं थोड़ा सोचता हूँ कि ये 400 और 200 है, 400 + 200/2 किया तो डायरेक्टली आंसर आता है, 400 + 200/2 किया तो डायरेक्टली आंसर आता है। यही लॉजिक मैं अगले सवाल को लगाने की कोशिश करूंगा, तो मालूम नहीं क्या होगा। 100 this RPM to this RPM इन दिस टाइम, सो नहीं, वो 2 मिनट्स है, 1 मिनट होता तो हो जाता, जाने दो, हम सॉल्व करेंगे आराम से। स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम, थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन। द स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 1200 RPM टू 1800 RPM इन 20 सेकेंड्स। ओके, सो ω1 इज इक्वल टू 2π इंटू 1200 RPM, सो 1200
अपॉन 60 दिस गोज ऑफ 1s, 2s, 20s, 40 पाई. ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1800 आरपीएम. सो 2 पाई इंटू 1800 अपॉन 60, ये गया 1s, 3s, 30. दिस इज इक्वल टू 60 पाई इन 20 सेकेंड्स. सेम लॉजिक, अभी 20 सेकेंड्स, पहले मैं अल्फा ढूंढ लूंगा. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, 60 पाई माइनस 40 पाई अपॉन 20. 60 माइनस 40 इज 20, सो द आंसर इज पाई. देन आई फाइंड आउट थीटा. ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वेर ओमेगा 1 40 पाई इंटू 20 प्लस हाफ ऑफ पाई इंटू 20 का स्क्वेर. दिस इज 800 पाई प्लस 200 पाई, दैट इज 1000 पाई. नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी डिवाइड बाय 2 पाई. 1000 पाई अपॉन 2 पाई, द आंसर इज 500. यस, द आंसर इज 500. इट इज सी. क्वेश्चन नंबर फोर. The speed of a body moving in a circle of radius 15 centimeter changes from 180 revolutions per minute to 600 revolutions per minute in 11 seconds. The angular acceleration is how much? 600, 180. So 180, 2 pi into 180 upon 60, 2 pi into 600 upon 60 in 11 seconds. बराबर है ना? डेटा ही गलत लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. अल्फा ढूंढना है मुझे. सो दिस इज गोइंग टू बी 1s, 3s, 6 पाई. दिस इज गोइंग टू बी 10, 20 पाई. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. 20 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 11. This is 14 into 22 upon 7 into 11. This is going to be 1s, 2s, 1s, 2s, 4. Hai kya option 4? Yes, it is 4 rads per sec square. 4 rads per sec square. The answer is D, fourth option. D, fourth option. Ab usi ke saath juda hua hai paanchwa sawal. Linear acceleration kitna aayega? AT is equal to alpha into R, that is 4 into R diya hai na, 15 centimeter yani 0.15 meter, 6 meter per second square is the answer. The correct option is A first one. Ye hai paanchve sawal ka jawab. Fine, chhata sawal dekhte hain. पांचवे सवाल का जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन, राइट. अब देखते हैं छठा सवाल. इफ एन इलेक्ट्रिक फैन रिवॉल्विंग एट 600 आरपीएम इज स्पीडेड अप टू 1200 आरपीएम इन 4 सेकेंड्स, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 600 अपॉन 60. ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60 इन 4 सेकेंड्स. टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1s, 10s, 20 पाई. 1s, 20s, 40 पाई. अल्फा इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. 40 pi minus 20 pi upon 4. 20 pi upon 4, that is 5 pi, is alpha. That's it. The answer is D, fourth option.
सवाल नंबर सात, सभी न्यूमेरिकल से लगभग। अ कार ऑफ मास एम मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एट एनी इंस्टेंट इट्स स्पीड इज वी मीटर पर सेकेंड एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, ये सर्कल है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो है वो उन्होंने दिया है ए, सो ए टेंजेंशियल विच इज इक्वल टू ए, सेंट्रीपेटल जो है विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर, और ए नेट आएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, स्क्वायर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपेटल का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर। A square plus V square upon R the whole square. The answer is D, fourth option. The answer is D, fourth option. सवाल नंबर आठ। A flywheel 200 से 100 हो रहा है एक मिनट में, कितने रेवोल्यूशन होंगे? वेरी सिमिलर, 200 से 100 हो रहा है सवाल नंबर आठ। ओमेगा 1 2 pi इंटू 200 से 100 हो रहा है 2 पाई इंटू 100 अपॉन 60 इन हाउ मच टाइम, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। सो 0 0 गया, 1 जा 3 जा, 20 पाई बाय 3, 0 0 गया, 1 जा 3 जा, 10 pi by 3, so alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t, 10 pi by 3 minus 20 pi by 3 upon 60 minus 10 pi by 3 into 60 minus pi by 18, theta is equal to omega 1 t plus half of alpha t square, omega 1 is 20 pi by 3 into 60 minus half of pi by 18 into 3600. This is 1 za, this is 3 2 za, 20, 400 pi minus 18 1 za, minus 100 pi, minus 100 pi, this is 300 pi, rotations will be 300 pi upon 2, the answer is 150, the answer is C, third option. Sawal number 9th question number 9, kidhar gaya bhai 9th question, mil gaya. A disc of radius 0.1 meter starts from rest with an acceleration of 4.4. The linear velocity at a point on it after 5 seconds. चलिए इसको यहां सॉल्व करेंगे, 9th और 10th क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जगह बना लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अ डिस्क रेडियस 0.1 मीटर, अल्फा 4.4, रैड्स पर सेक स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। मैं एंगुलर वेलोसिटी ढूंढूंगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू अल्फा, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4.4 इंटू 5, 4.4 इंटू 5 22 रैड्स पर सेकेंड।
और वी टू पूछा है, इट इज ओमेगा टू इंटू आर, 22 इंटू 0.1, द आंसर इज 2.2 मीटर पर सेकेंड। द आंसर इज 2.2 मीटर पर सेकेंड, द आंसर इज बी सेकेंड ऑप्शन, बी सेकेंड ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल, 60 to 120, 10 seconds, नंबर ऑफ रोटेशंस मेड, 60 to 120, 10 seconds, 60 to 120 इन 10 seconds। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, 4π - 2π अपॉन 10, दैट इज 0.2π। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वेयर, 2π × 10 प्लस हाफ ऑफ 0.2π × 10² दिस इज 20π प्लस 10π दैट इज 30π। रोटेशंस विल बी इक्वल टू 30π/2π, द आंसर इज 15, द आंसर इज बी सेकेंड ऑप्शन, द आंसर इज बी सेकेंड ऑप्शन। ये हमारे आज के 10 सवालों के जवाब है, सभी न्यूमेरिकल्स पूरे डिटेल में सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। इसी आशा के साथ वी क्लोज डाउन दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड हैव ग्रेट।